नोएडा से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाले पृथला ब्रिज पर करीब आधे घंटे तक शव रखकर प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन के कारण लंबा जाम लग गया, इससे वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी है। बता दें कि सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के परिवार वालों को समझा बुझा कर जाम खुलवा दिया। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के कारण मौत हुई है। पुलिस ने परिजनों को कार्यवाही का भरोसा दिया है। जानकारी के मुताबिक गांव पृथला के रहने वाले एक परिवार का पड़ोस में रहने वाले सतीश यादव से काफी दिनों से विवाद चल रहा है। आरोप है कि सतीश यादव एक 5 मंजिला भवन का निर्माण करा रहा है, जिसके कारण जयराम के मकान में दरार आ गई। इसे देखकर जयराम कई दिनों से सदमे में थे। आखिर शुक्रवार की सुबह हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने राजाराम की मौत के लिए सतीश यादव को जिम्मेदार मानते हुए कोतवाली 113 में मुकदमा दर्ज कराया है। आज 18 अगस्त 2023 को सुबह सूचना आई कि कुछ लोगों ने पथला ब्रिज के नीचे एक डेड बॉडी को रख के कुछ देर ट्रैफिक रोका था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और अभी भी मौके पर ही हूँ, और जैसा आप देख पा रहे हैं इस समय बॉडी हटाई जा चुकी है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। ये दो पड़ोसियों का विवाद है, जिसमें पुलिस द्वारा ऑलरेडी जो मृतक हैं उनकी तरफ से एक मुकदमा इस केस में ऑलरेडी लिखा जा चुका था, और इसमें जो दूसरा पक्ष है अभियुक्त है उनकी ऑलरेडी गिरफ्तारी की जा चुकी है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, अन्य विधिक कार्य प्रचलित है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।